दिस वीडियो इज ऑल अबाउट परसेंटेज. परसेंटेज का मतलब आप क्या है, किस तरीके से हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, मैथ से रिलेटेड ये अनदर वीडियो आपके लिए मैं लेकर आ गई हूँ. आई होप मैं जो भी फॉर्मूलेज आपके साथ डिस्कस करूँगी आप उसके क्वेश्चंस जरूर बनाओगे. चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और कॉमेंट जरूर करना कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए. बीच में 2-3 दिन मैं मैथ्स की वीडियो नहीं लेकर आई थी बट आज मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आ गई हूँ. परसेंटेज का मतलब होता है 100 सेंट. परसेंट, सेंट का मतलब होता है 100. ठीक है, यहाँ पे आप इसको ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हो, x परसेंटेज या फिर x अपॉन 100. व्हाट इज दिस परसेंटेज, क्या है ये परसेंटेज. अब हम चलते हैं कुछ फॉर्मूलाज के ऊपर, ध्यान देते हैं कि कौन कौन सा फॉर्मूलाज है. अगर नंबर दिया हुआ है, फ्रैक्शन दिया हुआ है या परसेंटेज दिया हुआ है तो उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं और हमारा बेसिक क्लियर नहीं होता है और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते. अगर परसेंटेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा तो आपको 4 मार्क्स आपके BHU एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मिल जाएंगे. तो 4 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए मेहनत से ये वीडियो पूरी एंड तक देखना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना. अब हम चलते हैं हमारे डायरेक्ट फॉर्मूलाज. सो सबसे पहले परसेंटेज ऑफ अ नंबर, यहाँ अगर हमारे पास दिया हुआ है 60% of 500, ठीक है, यहाँ पे ऑफ छूट गया है, 60% of 500, तो हम कैसे निकालेंगे, 60 upon 100 और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और लिख देंगे 500 और एग्जैक्टली 0 0 डिविजिबल है, करेक्ट आ जाएगा 300. ये क्या है, परसेंटेज ऑफ नंबर. दूसरा है हमारा फ्रैक्शन या डेसिमल को अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है, इससे रिलेटेड काफ़ी बारी क्वेश्चन आप ओल्ड प्रीवियस पेपर में देखोगे तो आपको मिल जाएगा. अगर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 1/5, ठीक है, तो परसेंटेज में कैसे चेंज करना है, सिंपली 100 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 5, 2 और यहाँ पे आएगा 0, 20%. ये हो गया आपका फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्ट हो रहा है. नेक्स्ट है आपका, मान लो दिया है 0.05, अब हमें इसको चेंज करना है परसेंटेज में, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो जितना लगा है 0 और 0 कट हो जाएगा, क्या बचा सिंपली 5%. तो यहाँ पे आपने देखा फ्रैक्शन से हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं और डेसिमल से हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं. बहुत ही बेसिक चीज़ों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ. अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कमेंट ज़रूर करना. अब हम देखेंगे, पहले हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज में किया, अब हम देखेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना. अगर हमारे पास दिया हुआ है 20%, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 20% of 100 लिख देंगे और फिर इसको शॉर्ट में डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 1/5. 5 हमारा क्या है, इट इज़ अ फ्रैक्शन. तो ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि 80% को कन्वर्ट करो, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, 80 upon 100 भी लिख सकते हो. ये बहुत ही सिंपल बेसिक चीज़ है जो कि आप सॉल्व कर सकते हो. बहुत ही आसान तरीका है परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना. देयर इज़ वन कॉन्सेप्ट, फ्रैक्शन से अगर हमें फ्रैक्शन बनाना है या परसेंटेज दिया हुआ है और उसमें से हमें परसेंटेज निकालना है तो कैसे करेंगे, काफ़ी ईजीएस्ट क्वेश्चन है बट अगर हम इसको एग्जामिनेशन में देख लेते हैं इस तरीके का क्वेश्चन तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं. अगर आपके पास आता है 2 फ्रैक्शन, 1/4 और 1/5 और आपको दूसरा फ्रैक्शन बनाना है तो सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और आंसर आ जाता है 1/20. इसी तरीके से अगर आपके पास दिया हुआ है 25% of 20%, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, जस्ट सिंपली 25 into 20 upon 100 कर दोगे, 0 से 0 कर हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 और ये 5 5 ज़ा 25, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5%. यहाँ पे हमने क्या सिखाया है कि फ्रैक्शन से फ्रैक्शन बनाना और परसेंटेज से परसेंटेज बनाना, ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है. अगर आपके पास 2% दिया होगा तो आप 3rd% निकाल सकते हो सिंपली उनको मल्टीप्लाई करके. अब हम चलते हैं 3rd concept को देखते हैं कि क्या कह रहा है हमारा परसेंटेज का चैप्टर. लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन. क्वेश्चन में दिया हुआ है x इनकम 25% मोर देन y इनकम, ठीक है, बाय हाउ मच परसेंट y इनकम इज लेस देन x. इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं तो इसको कैसे हम अप्रोच करते हैं कि किस तरीके से ये सॉल्व होगा. यहाँ पे आपको एक चीज़ मान के चलनी होगी, r. r जो है आपका दिया हुआ है 25% और इसके हिसाब से हमें निकालनी है y की इनकम जो कि x से कितनी लेस है. क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा उसका ये फॉर्मूला है, ये है डिफरेंस का फॉर्मूला. अगर आप इसको समझते हो r यहाँ पे क्यों लिखा है, तो r का मतलब होता है रिडक्शन या रिड्यूस्ड परसेंटेज, ठीक है. तो r हमारा पहले से 25% क्वेश्चन में दिया हुआ है और यहाँ पे हम लिखेंगे 100 को 100 plus 25 into 100, ठीक है, और इसको हम सॉल्व करेंगे, 25 upon 125 into 100 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 20%. इस तरीके से भी क्वेश्चन आएगा जिसमें अगर आपके पास परसेंटेज ऑलरेडी दिया हुआ है और दूसरे से कंपेयर कर रहा है तो आपको रिडक्शन वाला परसेंटेज का फॉर्मूला आर
अपॉन 100 प्लस आर इंटू 100 वाला फॉर्मूला पुट करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाती हूँ और इस तरीके से मैं आपको 2-3 होमवर्क में दे दूंगी, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, उसको ज़रूर सॉल्व करना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप क्वेश्चन को देख के सॉल्व करते हो। कमेंट सेक्शन में आंसर क्वेश्चन पिन किया हुआ है, आंसर आप लिख दीजिएगा, मैं चेक कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स इनकम इज 40% लेस देन वाईज इनकम, बाय हाउ मच परसेंटेज वाई इनकम इज मोर देन एक्स। पहले हमने पढ़ा है हमारा मोर वाला, ठीक है, जिसमें हमने प्लस किया है, यहाँ पे आपको माइनस करना है और उसके फॉर्मूले को देखना है कितना आपका डिफरेंस आ रहा है। लेट्स सी कि कैसा क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन यहाँ पे नजर आ जाएगा और हम यहाँ पे डायरेक्ट चलते हैं। डी मतलब डिफरेंस इज इक्वल टू आर अपॉन 100 माइनस आर इंटू 100, ये है हमारा फॉर्मूला। में ऑलरेडी 40% दिया हुआ है, 40 अपॉन 100, क्योंकि परसेंटेज का सिंबल नहीं लगा रहे हैं, 100 माइनस 40 इंटू 100, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे तो 40 अपॉन 60 इंटू 100 और इसका आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, 3 यहाँ पे 200 अपॉन 3, दैट विल बी 66% आई गेस यही आंसर आएगा। और मैं चाहती हूँ कि आप इस तरीके से क्वेश्चंस फॉर्मूला पे, जो भी फॉर्मूला है उसको ध्यान रखते हुए परसेंटेज के क्वेश्चंस सॉल्व करो। अगर आपको ये वीडियो पूरी तरीके से कम्प्लीटली समझ आती है तो कमेंट करो। ये पार्ट वन था परसेंटेज का, इसके बाद सक्सेसिव और यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज कंपेरिजन करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। बस फॉर्मूलाज अच्छे से जान जाओगे ना तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। पेपर में देखो जहाँ पे परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कितना डिफिकल्ट है और कितना लाइक मॉडरेट क्वेश्चंस आया हुआ है, बहुत ही आसान है, बस फॉर्मूला जान जाओ, आंसर सॉल्व होने बहुत आसान होता है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, इस वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना। स्टे सेफ, प्रिपेयर वेल, साइनिंग ऑफ। वीडियो एंड हो चुकी है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका काम खत्म हो गया है। कमेंट सेक्शन में मैंने 3 क्वेश्चन रखे हैं परसेंटेज से रिलेटेड, उसको सॉल्व जरूर करना।